एंड रिजल्ट ऑफ एक्सिलरी लाइपोमा कैसे की होल टेक्निक से, कैसे जीरोस का टेक्निक से एक्सिलरी लाइपोमा होता है। दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ कि पेशेंट को इतना बड़ा एक्सिलरी लाइपोमा था, ये सर्जरी खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हो कि इतने इंसिजन से पूरा सर्जरी खत्म हुआ है। जो लोग इतने बड़े इंसिजन से यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, फिर यहाँ पे ड्रेन लगाते हैं, इतना बड़ा सर्जरी होता है, पर पेशेंट को बिल्कुल भी पेन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दिया हुआ है जो लॉन्ग टर्म चलेगा और पेशेंट को पेन पोस्ट ऑपरेटिव नहीं होगा। अभी ऑपरेशन के टाइम में पेशेंट कंप्लीटली फाइन है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई बार बार नहीं आना है। एक ही बार में आप भी एक्सिलरी लाइपोमा से, एक्सिलरी ब्रेस्ट से छुटकारा पा सकते हो सिंगल की होल से, कोई बड़ा इंसिजन की जरूरत नहीं। तो डरिए नहीं, घबराइए नहीं, हमारे फीमेल कोऑर्डिनेटर है जो आपको हेल्प करेंगे और ये तकलीफ में से बाहर निकालेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।